भाजपा का पलतू बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। अंबानी अडानी जी को समझना होगा, ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बबौती नहीं है। सरकार जाते ही उनकी एक भी संस्थाओं को रहने नहीं दिया जाएगा देश के अंदर। आगे ना तो ना पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कहते हैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। भाइयों बहनों, अरे रामू काका, ये शुक्र है आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते हैं। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नहीं सटाएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी, ये नौ को दला दिया। पात्रा के कारण जब गुजरात गैस लिमिटेड जो नुकसान में थी, ओएनजीसी में हराम का खाता था 27 लाख रुपया महीना। देश को पता है ये बात? पत्रकार महोदय, आपने पूछा कभी कौन है संदीप पात्रा? किस बात का? ओएनजीसी से, जो ओएनजीसी भारत की नवरत्न कंपनियों में एक थी, 27 लाख रुपया का पैकेज स्वतंत्र डायरेक्टर क्यों बनाया गया? वही संदीप पात्रा 12 हिंदू राव में जब डॉक्टर होता है तो महिला के साथ उसका क्या केस चल रहा है आपको भी पता है। वही संदीप पात्रा जब नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपया जो नॉन बैंकिंग एक्ट के तहत दर्ज कंपनी नहीं है उसमें पाए गए पुराने नोट, तो संदीप पात्रा कौन है? भाजपा का पलतू बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है। इसको कौन कहेगा? जो हराम का खाता है वो भाजपा आरएसएस का गुनगाता है, जो मेहनत का खाता है वो देश के गुनगाता है, देश के किसानों के साथ कर रहा है। समाधान तो सरकार को निकालना है, वो तो पीछे हट नहीं रहे। गोरे अंग्रेजों ने क्या समाधान निकाल के दिया था कि तुम आजाद हो जाओ? कहीं उनके जो चेले चपाटे हैं, जो उनकी दलाली और मुखबरी कर रहे थे, उतनी आसानी से मानेंगे? जैसे गोरे अंग्रेजों को लदियाया गया, जुतियाया गया, लात के देवता बात से नहीं ना मानता है। पूरा देश सड़कों पर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है, एक था, एक रहेगा, पूरी मजबूती से देश लड़ाई लड़ रहा है। कौन है जो समर्थन में आ रहे हैं? वही लोग, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है जो अपने ही देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। है कौन? देश नहीं देखा है सर? जिस तरह से पीएम मोदी या बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस इसको किसान को भड़काता है, विपक्ष के बहकावे में, सुनिए, जसोदा बेन जी को कांग्रेस भड़काया था कि नेहरू जी कान में आके कहे थे कि अग्नि के साथ फेरे लिए आपने, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई थी तो एक जन्म में साथ छोड़ दिए, कौन भड़काया? देखिए ये सब बात, देश संपत्ति बेचने के लिए कोई कांग्रेस बोला आपको कि कोई पार्टी का नेता बोला? सवाल उठता है, आप देश में 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आपने रिजर्व बैंक का पैसा चट कर गए, आप तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेच दिया, तमाम कर्मचारियों के वेतन भत्ते से पैसे काटे, पीएम केयर फंड में फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, तो सब पैसा कहाँ गया? अब तो सीबीआई के कस्टडी से सोना भी चोरी हो गया। बताइए, लोगों ने, कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा क्या है, भाइयों बहनों मेरे को चौकीदार बनाइए, 60 महीना दीजिए। लोग भूल गया था रामू काका तो अंबानी ठीक है कह रहे थे कि हमको चौकीदार बनाइए, मालिक तो अंबानी अडानी है, उसी के लिए ना काम कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, किसान जो है जो खेतों का टावर उखाड़ दे रहा है, इसमें किसका नुकसान है? किसान आम जनता का ही तो नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है भैया, देश बचने वाले लोगों को महात्मा गांधी ने ये किया था, हम देश को गुलाम होने देंगे क्या? हम वो सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। अंबानी अडानी जी को समझना होगा, ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बबौती नहीं है। सरकार जाते ही उनकी एक भी संस्थाओं को रहने नहीं दिया जाएगा देश के अंदर। का बहिष्कार करने से, उनके टावर उखाड़ने से क्या दबाव बनेगा सरकार? बिल्कुल, उनको आर्थिक चोट पहुँचेगी। जो लोग सरकार का साथ दे रहे, किसानों की बात नहीं सुन रहे, क्यों अंबानी अडानी पहले ही बंकर बनाया था और सरकार ने ये कानून लाया? ये कानून लाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये कानून जो है कोयला की तरह काला है, अन्ना हजारे ने भी स्वीकार किया है, इसमें सरफ साबुन सोडा लगाने से ये कानून साफ नहीं होगा, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। अडानी अंबानी का क्या है इसमें? वो तो व्यापारी अपना व्यापार करेंगे, वो तो व्यापारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला भी था ना, तो व्यापारी व्यापारे करते करते ने देश को गुलाम बना दिया, तो आप क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया पार्ट टू के लोगों को फिर से हम देश गुलाम बनाने दें? हम नहीं बोले,
पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी अपने भाषण में कहा है कि किसानों का समर्थन भी कृषि कानून को मिल रहा है, वो कौन से किसानों को समर्थन कर रहे हैं? रामू काका के एक भी बात पर भरोसा है तो बता दीजिए। रामू काका ने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दी जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामू काका के ही मंत्री निर्मला ताई अनुराग ठाकुर ने कहा था 20,00,000 करोड़ रुपए का चूरन, गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी से कि दूध के साथ 20 रुपया मिला है, आप बताइए। उन्होंने कहा था रेल को बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट बना दिया, जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे उसी स्टेशन को बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेल बेचते बेचते कब चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, देश की जनता को पता चला। कहते थे विज्ञान बेहोश है, गणित कोमा में है। कहते थे नाली में पाइप लगा के चूल्हे से पाइप जोड़ा, कटिंग चाय 2 रुपये में बेचते थे, उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे जब 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता। लेकिन पंकज जी, आप रामू काका की बात कर रहे हैं, उन पर विश्वास करके 2 बार कुर्सी तभी तो दे दी उन्होंने। अरे भैया, ईवीएम का कमाल है, रामू काका को नए मालिक का चेहरा देखने का टाइम था, सोने का पल्ला देने का टाइम था, देश के नेदाता किसान भाइयों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। जो देश के नेदाता किसान भाई दिल्ली में नहीं आ पाए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या लोग बाहर कैसे चले गए? इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर, कटीले तार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फब्बारे छोड़े गए, किसानों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतनी व्यवस्था अगर गलवान में होती, पुलवामा में होती तो घटना होती? आखिर क्यों नहीं पुलवामा की घटना की जांच होती है? वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो RDX था, उस कार का नंबर क्या था? सुनिए, वही DSP देवेंद्र सिंह जब पुलवामा में था, वही DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले जब दिल्ली में आतंकवादी को लाया तो उस पर जाँच क्यों नहीं हुई? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, पर सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब आ गया? तब तक झूला झूल रहे थे आप सावन के झूलों में, तो कैसे हो? आगे नाथ ना पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कहते हैं 18-18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों। अरे रामू काका, ये शुक्र है आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम, हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते हैं। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी, ये नौ को दला दिया। अच्छे दिन प्रधानमंत्री, आपने पत्रकार महोदय सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं आए तब हमें सूली पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आया तब पछुआरे पर लात मार देना। चाहिए खड़ा है देश की जनता, क्यों नहीं आ रहे? किसान सम्मान राशि दी मोदी जी ने, 6,000 रुपया महीना, समझिए बात, 2,000 साल का 6,000, सुनिए रे भाई, 6,000 रुपया में 16.5 रुपया प्रतिदिन पड़ता है, 16.5 रुपया में हम अपने बच्चों का फीस भरेंगे, कि अपने लिए सब्जी खरीदेंगे, कि अपने लिए दवाई खरीदेंगे, कि अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, कि अपने बच्चों को, पूरे परिवार को पालेंगे। मोदी जी बताएंगे 6,000 के आलावा 60,000 का टैक्स बढ़ा दे किसान, फिर टैक्स आपने कितना लिया? जबरी ये जो जजिया कर टाइप से लगा दिया आपने, जबरन गब्बर टैक्स, देखिए 16 फिल्म पूरे देश ने देखा है, गब्बर को भी कोई नहीं था, वो भी लूटता था, और मोदी जी को भी कोई नहीं है, वो भी लूट रहे हैं। रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जो निसंतान होते हैं लोक कल्याण की बातें नहीं करता है, आज ये बात हकीकत में साबित हो रहा है। ये उसी रामायण के कालेनेमी राक्षस की तरह हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर पूरी मानवता को शर्मसार कर रहे, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, जो सभी धर्मों के लोगों के रहने की जगह है, जहाँ विविधताओं में एकता की बात होती है, उस देश को ये बदनाम कर रहे विश्व के मानचित्र में। एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा था $5 trillion अब माइनस में GDP पहुंचा दिया, तो आप नहीं देखे? फिर कल एक महीना होने जा रहा आंदोलन, देखिए आंदोलन अब 6 महीने तक चलेगा। हम किसानों के घर में साल भर का अनाज होता है, हमें कोई सरदर्दी नहीं है, यही डेरा डाल के बैठे रहेंगे जब तक सरकार ये काला कानून वापिस नहीं लेगी।